हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है। सीटेट के वो प्रश्न हैं, यहाँ पे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि कई बार रिपीट होते हैं, और हम लोगों ने ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि आप लोगों की तैयारी मालूम चल पाए कि किस स्तर की तैयार है। तो अगर आप लोगों की सीटेट की अच्छी तैयारी है तो ये 10 प्रश्न जरूर हल करके जाइएगा, अगर आप लोग सीटेट के एग्जाम देने वाले हैं, नहीं तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहले प्रश्न में इसने कहा है कि जो बच्चे हैं अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन किसका दिया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेवलून, पियाजे, स्किनर और कोहलबर्ग, चार ऑप्शन है आपके पास। तो हमेशा जब भी बात करें विश्व की परिकल्पना की, जो भी समझ है, बच्चे अपनी समझ का विश्व से बात करें, पर्यावरण से बात करें, जब भी ऐसे शब्द आपको नजर आए तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्नों का आंसर हमेशा जीन प्याजे को चुनना है। किसको चुनना है? जीन प्याजे को। तो इसका जो जवाब हो जाएगा बी नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिख रहा होगा आपको, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह कौन सी अवस्था होती है? अमूर्तता की अवस्था आप लोग जानते हैं, ये चौथी अवस्था होती है जहाँ पर बच्चा परिकल्पना बिना किसी चीज़ को सामने रखे हुए कर सकता है, ऐसी अवस्था को अमूर्तता की अवस्था कहते हैं। लेकिन जो उससे पहले की अवस्था होती है जहाँ पर चीज़ों को सामने देख कर बच्चा उसके बारे में परिकल्पना करता है, उसको मूर्त अवस्था कहा जाता है। और इसकी उम्र क्या होती है तो हमेशा आपको याद रखना है, जब भी ऐसे प्रश्न आपको नजर आए तो ये जो उम्र होती है मूर्त अवस्था की, वो हमेशा 7 से 12 वर्ष, यानी कि जो किशोरावस्था के पहले वाली अवस्था होती है उस अवस्था को मूर्त अवस्था के रूप में जानते हैं। हम कह सकते हैं तीसरी अवस्था जो होती है बच्चे की, वो मूर्त अवस्था के रूप में होती है। तो जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा 7 से 12 वर्ष तक। 12 वर्ष के बाद जो हो जाते हैं किशोरावस्था में बच्चा चला जाएगा, ये आपका जवाब नहीं होगा। जन्म से दो, जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है जानते हैं, शैशवावस्था होती है। तो हमको क्या चुनना है? तीसरी अवस्था, जब भी अमूर्त की बात आ जाए, क्योंकि यहाँ पे मूर्त अमूर्तता की बात नहीं कर रहा, मूर्त चीज़ों को बच्चा सोच रहा है, तो हमें क्या चुनना होगा? 7 से 12 वर्ष। अगर आप लोगों ने इसका सही जवाब दिया है तो जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करके अपने आप से बात करती है, यानी कोई टी शर्ट उसको मिल गई है और उसको क्या करती है, वो संभाल कर रखती है, कह सकते हैं कि उसको फोल्ड करके रख रही है और अपने आप से बात भी कर रही है। क्या कर रही है? अपने आप से बात भी कर रही है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो हमें याद रखना है, इसको हम बोलते हैं जब बच्ची बात कर रही है, काम भी कर रही है, बात कर रही है, तो उसको अहम केंद्रित, कौन सी भाषा बोलेंगे? अहम केंद्रित बोलेंगे। और ये अहम केंद्रित किसने दिया था? ध्यान रखना, जीन प्याजे साहब ने दिया था। किसने दिया था? जीन प्याजे साहब ने। यानी कि यहाँ पे देखिएगा, जीन प्याजे और लेव वाइगोस की इसकी व्याख्या करते हुए बच्चों के अहम केंद्रित, देखिए अहम केंद्रित की बात जीन प्याजे करते हैं और प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं हमारे कौन? लेव वाइगोस के साथ। जवाब आपका गलत हुआ। दूसरा कह रहा है, जीन प्याजे से अहम केंद्रित भाषा और लेव वाइगोस की जो इसकी भाषा की बात करते हैं वो निजी भाषा यानी प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है, यानी अहम केंद्रित इसकी बात जो करेंगे वो जीन प्याजे करते हैं, और वाइगोस्की की भाषा में अगर बात करें तो वो इसको बोलते हैं निजी भाषा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। तो हमें क्या ध्यान रखना है? दूसरा जवाब ध्यान रखना है कि जो इसका जवाब हो जाएगा सिंपल सा बी नंबर, जिसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डेड डैश से भिन्न होता है बजाय डैश के, यानी कि कह रहा है यहाँ पे दो आपको देख रहे होंगे, दो ऑप्शन, यानी जो बच्चे होते हैं उनका जो चिंतन करते हैं वयस्कों से किस प्रकार से भिन्न होता है बजाय उसके। तो हमेशा आपको याद रखना है, जो बच्चे होते हैं उनका जो प्रकार होता है सोचने का वो वयस्कों से अलग होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रकार हो जाएगा पहला, तो जो वयस्क होते हैं और जो बच्चे होते हैं दोनों का प्रकार सोचने का अलग अलग होता है। अब किसकी बजाय? तो हमेशा मात्रा में, जैसे कि बच्चा छोटी कार के बारे में, खिलौने वाली कार के बारे में सोच रहा होगा, और जो वयस्क व्यक्ति होता है जो, वो खिलौने वाली कार के बारे में ना सोचकर एक रियल कार के बारे में सोच रहा होगा जो उसके जीवन में मदद कर सके, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचेगा। और बच्चा खिलौने की कार से खेलने के लिए चीज़ों के बारे में सोचेगा, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा? प्रकार का और मात्रा का। समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? प्रकार और मात्रा। तो आपका कहाँ जवाब मिलेगा? सी नंबर इसका जवाब होगा, सिंपल सा। चलिए अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। अब बताइए किसने की इसके बारे में? संज्ञानात्मक की बात कर रहा है और 4 की बात कर रहा है, कितने चरण की? 4 चरण की। पहले को बोलते हैं संवेदी पेशी, दूसरों को पूर्व संक्रियात्मक, यानी पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष, दूसरी अवस्था 2 से 7 वर्ष, तीसरी अवस्था 7 से 11 वर्ष
और चौथी अवस्था जो गेरा से अंग की अवस्था होती है। तो पूर्व जो संक्रियात्मक अवस्था होती है उसकी दूसरी अवस्था बोलते हैं, स्थूल संक्रियात्मक, हम इसको दूसरी भाषा में मूर्त संक्रियात्मक भी कह देते हैं। तो हमारा हो जाएगा इसका सिंपल सा जवाब हो जाएगा, जो ये चारों अवस्थाओं की बात जो की है, जिन्होंने उनका नाम था जीन प्याजे साहब, यानी जीन प्याजे ने ये चार अवस्थाएं दी थी, याद रखेगा। पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष थी, दूसरी अवस्था 2 से 7 वर्ष थी, तीसरी अवस्था 7 से 11 वर्ष थी, चौथी अवस्था 11 से 15 वर्ष की जो अवस्था थी उसके बारे में उन्होंने बात की है। उनका नाम था जीन प्याजे साहब। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी जीन प्याजे साहब ने दिया था। तो बिल्कुल जवाब इसका हो जाएगा सिंपल सा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 0 से 2 वर्ष, जिसको बोलते हैं शैशव अवस्था, के दौरान बच्चे सबसे बेहतर सीखता है। तो देखिएगा, जब 0 से 2 वर्ष की अवस्था की बात हो जाए तो यहाँ पे बच्चा बोल नहीं सकता किसी चीज़ों को, बोल सकता है वो अपने हाव भाव व्यक्त करके अपने शरीर की क्रियाओं के द्वारा चीज़ों को व्यक्त करता है, प्रकट करता है। आप लोग समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे इसने स्टेटमेंट में ही चीज़ को शामिल कर दिया है कि जन्म से 2 वर्ष, हम इसको दूसरी भाषा में 0 से 2 वर्ष कहते हैं और जीन प्याजे साहब इसको शैशवावस्था कहते हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, सबसे बेहतर सीखता है किस रूप में, तो अमूर्त चिंतन तो ये बच्चा यहाँ पे करेगा नहीं, क्योंकि अमूर्त चिंतन जीन प्याजे साहब की तीसरी अवस्था है। तो ये यहाँ से गलत हुआ, भाषा के नए अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग करके तो बिल्कुल नहीं, भाषा अभी यहां पे इसकी भाषा की बात नहीं होगी, क्योंकि 0 से 2 वर्ष ऐसा अवस्था में बच्चा बोल नहीं सकता, कम्युनिकेशन का माध्यम भाषा नहीं होती। तो यहां पर ये भी गलत हो जाएगा। इंद्रियों का प्रयोग करता है, बिल्कुल सही कह रहा है, 0 से 2 वर्ष यानी पहली जो अवस्था होती है शैशवावस्था जो होती है, उसमें बच्चा क्या करता है, इंद्रियों का प्रयोग करता है चीज़ों को सीखने के लिए, अपने हाव भाव से व्यक्त करता है, रोकर कोई चीज़ अगर उसे चाहिए होती है तो रोकर, हंसकर, हाथ पांव हिलाकर ऐसे बात करता है, यानी इंद्रिय जनित होता है ये अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था इसको भी हम कहते हैं। तो बिल्कुल इसका जो सिंपल सा जवाब हो जाएगा आप लोगों ने किया होगा सी नंबर इसका जवाब होगा। अगला देखिएगा, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी। तो आपको याद होगा बौद्धिक स्तर की 4 अवस्थाओं के बारे में बात की थी, और ये किसने की थी आप समझ गए होंगे, 4 अवस्थाओं के बारे में बात की थी, और इन्होंने 4 अवस्थाएँ जो थी अपने बच्चों पर इसको काफ़ी वर्षों तक रिसर्च करने के बाद दी थी, जो 4 अवस्थाएँ थी। तो आप लोगों का भी पता होगा 0 से 2 वर्ष ऐसा अवस्था, फिर आपकी आ गई पूर्व संक्रियात्मक संक्रियात्मक, अब यानी मूर्त मूर्त संक्रियात्मक अमूर्त संक्रियात्मक, यानी जो 4 अवस्थाएं इन्होंने जो दी थी वो दी थी हमारे जीन प्याजे साहब ने, याद रखिएगा आप लोग सिंपल सा। तो जीन प्याजे साहब ने इसके बारे में बात की थी, और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, चीज़ें संज्ञान से जोड़कर इन्होंने चीज़ें दी थी, यानी मानसिक चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं वो सारी की सारी जीन प्याजे साहब से, यानी बुद्धि हो, मानसिकता हो, संज्ञान हो, सारी चीज़ें एक ही हैं। ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं, जीन प्याजे साहब से जुड़ी हुई हैं। तो सिंपल से इसका जवाब हो जाए सी नंबर। अगला कह रहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, जो बच्चे हैं दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डेड डेस्क को जाता है। तो देखिएगा, दुनिया के बारे में अपनी समझ का श्रेय, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पहला क्वेश्चन जो किया था उसमें भी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो बच्चे हैं दुनिया के बारे में या विश्व के बारे में या पर्यावरण के बारे में जब भी अपनी समझ का प्रयोग कर रहे होंगे, यानी चीज़ों को अपने तरीके से देख रहे होंगे, वहाँ पे केवल एक ही व्यक्ति का नाम हम ले सकते हैं, उनका नाम था जीन प्याजे। यानी बच्चे जो होते हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, बच्चे जो होते हैं अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। ऐसी जब स्टेटमेंट आपको नजर आए तो आपको कुछ नहीं करना, केवल जीन प्याजे साहब को चुनना होगा, क्योंकि इसका श्रेय ही जीन प्याजे साहब को जाता है, वो हमारा डी हो जाएगा, जीन प्याजे साहब सिंपल सा जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। यहां पर कहा गया है कि जो प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त, यानी मूर्त नहीं, चौथी अवस्था की बात हो रही है, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है। तो ये आपको मालूम होगा अमूर्त संक्रियात्मक की बात कर रहा है, तो ये इसको हम दूसरी जो बात होगी अमूर्त की बात होगी, तो संवेदी 0 से 2 वर्ष, यहाँ पे बच्चा क्या करता है सेंस के माध्यम से, यानी क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से अपनी चीज़ों को व्यक्त करता है, यहाँ पे भाषा का प्रयोग नहीं करता। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी चिंतन नहीं कर पाता, जो चीज़ें दिखती हैं उसी के आधार पर वो अपनी धारणा बना लेता है, मूर्त में चीज़ें सामने जो उसको नजर आती हैं उसी के बारे में चिंतन करता है, उसी के बारे में मनन करता है। तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा, इसको दूसरी भाषा में हम औपचारिक संक्रियात्मक भी कहते हैं, अमूर्त को औपचारिक भी कहा जाता है, ये बात याद रखना। और ये अवस्था शुरू होती है 12 वर्ष के बाद की अवस्था होती है, बच्चा जब
किशोरावस्था में पहुंचने लगता है, पहुंच जाता है, उस अवस्था को हम कहते हैं। इसको यहाँ पे अगर किशोरावस्था भी लिखा होता तो भी इसका सही जवाब होता, ये बात को भी आपको गांठ बांध लेना। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर सिंपल सा जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है वो अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तार्किक रूप से, जब भी बात तार्किक रूप से बच्चा किसी चीज़ का चिंतन करने शुरू कर दे, घटनाओं के बारे में बताना शुरू कर दे, मनन करना शुरू कर दे, ऐसी अवस्था जो होती है तार्किक रूप से, यानी कि तर्क का बच्चा देना शुरू कर देता है। तर्क जब देना शुरू कर देता है तो बच्चा तीसरी अवस्था में, जीन पियाजे साहब की जो तीसरी अवस्था है उसमें बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, तार्किक रूप से तर्क देना शुरू कर देता है, कैसे, सामने चीज़ों को देखकर। तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है बच्चा यहाँ पे तार्किक रूप से घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, यानी जो चीज़ें उसको दिखती हैं, जो घटनाएं उसके सामने होती हैं उसके बारे में तर्क अपने देना शुरू कर चुका होता है, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है और ये जीन पियाजे साहब की तीसरी अवस्था है। तो उम्मीद है ये 10 क्वेश्चन में से कितने आप लोगों ने सही किए कमेंट में जरूर बताइएगा, जो गलत किए हों वो भी जरूर बताइएगा। उसके साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब न किया हो तो कर दीजिएगा, अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा है। उसके अलावा कुछ लोगों को वीडियो कमेंट भी करते हैं कि अनसब्सक्राइब कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो उनको भी प्रणाम है, वो भी जिनको चाहें वो अनसब्सक्राइब भी करें, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोगों पर हम ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते, जिनको सब्सक्राइब करना हो कर सकते हैं, नहीं करना हो मत कीजिए। किसी से किसी प्रकार का कोई पैसा हमने नहीं ले रखा है, ना ही तो मांगते हैं। आप लोग जो चीज़ें करते हैं हम प्रयास करते हैं आप लोगों तक जो जानकारी हो डिलीवर कर पाएँ। तो चीज़ें अगर आपको पसंद आती हैं, चीज़ें अगर अच्छी लगती हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक जुड़े रहिए, स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर। सभी लोगों को स्पेशल तौर पर पहले से ही हैप्पी नवरात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।